हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मधु एबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हमने सोयाबीन और मटर की सब्ज़ी बनाना बताया है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, वो भी घर के मसालों से। सबसे पहले हम यहाँ कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसमें हम 1 कटोरी सोयाबीन डाल देंगे और चम्मच के सहारे थोड़ा हिला देंगे और फिर इसे सोयाबीन को अलग बर्तन में निकालकर ढक्कन से ढककर 10 से 15 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। फिर कढ़ाई को गर्म करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद में फिर इसमें रफली कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर डालेंगे और छोटी सी टुकड़ा नारियल का, मतलब सूखा नारियल का टुकड़ा डालेंगे, 8-10 लहसुन की कली और 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और सबको मीडियम आंच पर हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। उधर प्याज भून रहा है तब तक हम सोयाबीन के सारे पानी को निचोड़ लेंगे। इसी तरह सारे सोयाबीन को हम निचोड़ लेंगे और अलग बर्तन में रख देंगे। देखिए इस तरह अलग बर्तन में रख दीजिए। फिर इधर प्याज भी हमारा कलर चेंज हो गया है तो फिर से इसे चला लीजिए। फिर इसे कढ़ाई से धीरे धीरे करके निकाल लीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। प्याज को अच्छा तरह से ठंडा हो जाने दीजिए तब इसे मिक्सी जार में डालिएगा। देखिए प्याज ठंडा हो गया है तो मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। फिर इसमें 10-12 काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डाले हैं, 2 या 3 चम्मच पानी डालेंगे और ढक्कन से ढककर इसका बारीक मसाला पीस लेंगे। देखिए इस तरह मसाला पीस लेना है। फिर इसे साइड में रख दीजिए। फिर कढ़ाई को गर्म कीजिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें 2 चम्मच तेल डालिए। हमने सरसों तेल डाला है, आप जो खाते हैं वही तेल डालिए। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 खड़ी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 हरी इलायची डालिए और 2 लौंग डालिए और सबको मीडियम आंच पर कलर चेंज होने तक, मतलब कि हल्का अरोमा निकलने तक, इसमें से अरोमा जैसे निकलता है अरोमा निकलने तक इसको भून लेंगे मीडियम आंच पर। फिर इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको धीमी आंच पर हल्का सा चला लेंगे। फिर इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि हम तीखट वाला लाल मिर्च खाते हैं वो वाला लाल मिर्च डालेंगे और सबको अच्छा से मिला लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च में तीखापन नहीं होता है, वो सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। फिर इसे ढक्कन से ढककर 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर मसाले को अच्छा खुशबू आने तक भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद में ढक्कन को हटाइए और मसाले को फिर से भून लीजिए। फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथों में रब करके डालेंगे और कुछ देर इसी तरह भून लेंगे। जब भून जाए तब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और चम्मच के सहारे अच्छा से मसाले को मिला लेंगे।
ढक्कन से ढककर ग्रेवी में उबाल आने देंगे। जब ग्रेवी में उबाल आने लगे तब चम्मच से चला लीजिए। फिर इसमें हम फ्रोजन मटर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से धोकर डालना है। अगर आपके पास फ्रेश मटर मिल रहा है तो उसको भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सबको अच्छा से मिला लेंगे। ढक्कन से ढक देंगे और 7 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे। 7 मिनट के बाद में देखिए सब्जी हमारी सूख गई है और ऊपर ऊपर तेल दिख रहा है। तो फिर इसे हम अच्छे तरह से चला लेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। फिर गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन से ढक देंगे और कुछ देर इसी तरह छोड़ देंगे। इस सब्जी को आप रोटी, चावल, पराठे या पूरी, पुलाव सबके साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह रेसिपी देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।